दोस्तों, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जब कभी हमें किसी महापुरुष के द्वारा कही गई ज्ञान की दो नई बातें सुनने को मिले तो हमें अपने सारे काम छोड़कर उन्हें पूरे विवेक के साथ सुन लेना चाहिए। क्या पता कौन सी बात कब हमारे काम आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। प्राचीन काल में एक ऐसे ही महान ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था दैत्य गुरु शुक्राचार्य। वैसे कहने को तो ये दैत्यों के गुरु थे, किंतु उनकी बुद्धिमत्ता के आगे देवतागण भी नतमस्तक रहते थे। और न सिर्फ देवता या दानव अपितु मानव जाति को उत्कृष्ट बनाने के लिए उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही थी जिनका अनुसरण करके कोई भी साधारण मनुष्य असाधारण हो सकता था। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको शुक्र नीति से ली गई जीवन उपयोगी 6 ऐसी बातें बताएंगे जिनका अनुसरण करके आप एक श्रेष्ठ मनुष्य बन सकते हैं। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं दैत्य गुरु द्वारा कही गई उन 6 बातों पर। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, संसार में से कई लोग हैं जो अपनों की मोह माया में इतने अधिक अंधे हो गए हैं कि उन्हें अब अपनों के अलावा कोई और नजर नहीं आता। भले ही इनका अपना कितना ही दुष्ट क्यों ना हो, परंतु वो इन्हें निर्दोष ही दिखाई पड़ता है। ऐसे लोगों के संदर्भ में दैत्य गुरु कहते हैं कि भले ही कोई हमारा कितना ही प्रिय क्यों ना हो, भले ही उससे हमारा कितना ही अधिक लगाव क्यों ना हो, किंतु वो यदि नास्तिक है अथवा पाप कर्म में लिप्त है तो हमें तुरंत ही उसका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे ऐसा करने से हो सकता है कि उस व्यक्ति की बुद्धि ठिकाने पर आ जाए और समय रहते उसे अपनी गलती का आभास हो। अन्यथा आप ऐसा नहीं करेंगे तो समय आने पर नियति आपको वो दिन दिखाएगी जब कोई आपको आंसू पोछने वाला भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, संसार में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें ना तो धर्म कर्म से कोई मतलब है और ना ही ये ईश्वर में आस्था रखते हैं। आमतौर पर ऐसे लोगों को नास्तिक कहा जाता है और संसार के ज्यादातर नास्तिकों के मन में क्षमा, दया और सेवा का कोई भाव नहीं होता। साथ ही साथ इनमें निर्दयता भी कूट कूट कर भरी होती है, जबकि सच्चाई ये है कि धर्म हमें जीने का सही ढंग बताता है। यह हमें अच्छाई और बुराई में अंतर करना सिखाता है। यह हमारे जीवन में प्रकाश की तरह है जो अंधकार में हमें राह दिखाता है। यदि कोई व्यक्ति एक बार धर्म को अच्छे से समझे अथवा अपने जीवन में इसका अनुसरण कर ले तो उसे अपने इष्ट की कृपा का पात्र बनने में देर नहीं लगेगी और उसी क्षण वो संसार की विभिन्न परेशानियों से छुटकारा पा लेगा और फिर जग में उस मनुष्य की कीर्ति फैलने में देर नहीं लगेगी। संभवतः इसी वजह से आचार्य कहते हैं कि हमें किसी भी हाल में धर्म का पालन पूरी निष्ठा और भक्ति से करना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में अन्न का बहुत ही महत्व है। इसी से जीवन है और यही सृष्टि का आधार है। और वैसे भी दोस्तों, यदि व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप जिस अन्न को महज कुछ रुपए देकर प्राप्त कर लेते हैं उसे उगाने के लिए किसान रात दिन विषम से विषम परिस्थितियों में कई महीनों तक अथक प्रयास करता है, तब कहीं जाकर गेहूं की ये बालियां पकती है। इतना ही नहीं, अन्न के प्रचुरता की वजह से ही हम मनुष्य जीवन के इस उत्कृष्ट शिखर पर पहुंच पाए हैं। अन्यथा इसके पहले आदिम युग में हम मनुष्यों का संपूर्ण जीवन महज भोजन जुटाने में ही बीत जाता था। संभवतः इसी बात को ध्यान में रखते हुए आचार्य कहते हैं कि हमें कभी भी अपनी पसंद नापसंद को आगे करके भोजन का अपमान नहीं करना चाहिए, अपितु वक्त पर हमें जैसी भी रूखी सूखी मिले सौभाग्य समझकर ग्रहण करना चाहिए। अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब हम भोजन का अपमान करके पाप के भागी बनेंगे और फिर हम दाने दाने को तरसेंगे।
दोस्तों, इस संसार में कई लोग बड़े ही दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। ऊपर से देखने पर तो ये लोग भले ही मालूम पड़ते हैं, किंतु अंदर ही अंदर ये हमारी जड़ें काटने में लगे रहते हैं। आप में से कई लोगों की आदत होती है कि आप ऐसे लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और बड़ी ही सहजता से उन पर विश्वास कर बैठते हैं। फिर ये दुष्ट अवसर का उचित लाभ उठाते हुए आपको अपनी ठगी का शिकार बनाते हैं। संभवतः इसी बात को ध्यान में रखते हुए दैत्य गुरु कहते हैं कि हमें किसी पर भी, चाहे वो परिचित हो अथवा अपरिचित, आंखें मूंद कर अथवा एक सीमा से अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। अन्यथा कब किसी के मन में लालच आ जाए और वो आपके साथ छल कर बैठे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। दोस्तों, किसी भी मनुष्य के जीवन में मित्रता का रिश्ता बड़ा ही अनूठा होता है। संसार में केवल मित्र ही एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी हाल में आपके साथ खड़ा रहता है और बड़े से बड़े संकट से आपको उभार पाता है। लेकिन दोस्तों, सभी लोग इतने भाग्यशाली नहीं है। कुछ के मित्र तो इतने अधिक दुष्ट होते हैं कि वे अपने मित्र को संकट से उभारने के बजाय उसके लिए नित नए संकट उत्पन्न कर देते हैं। संभवतः इसी बात को ध्यान में रखते हुए आचार्य कहते हैं कि मनुष्य को किसी से भी मित्रता करने से पहले कुछ बातों पर गौर कर लेना चाहिए। जैसे उस व्यक्ति का आचार विचार कैसा है, उसमें क्या गुण अथवा अवगुण है, अथवा उसकी क्या क्या आदतें हैं इत्यादि, अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा। हमारे हिंदू धर्म में कर्म का बहुत ही महत्व बताया गया है। संसार में जो भी आया है उसे अपना कर्म करना ही पड़ेगा। वैसे यही बात कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़े होकर गीता के भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। वह कहते हैं कि तू अपने कर्म से पीछे मत हट, तू अभी उठ और अपना कर्म कर, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। किंतु दोस्तों, हम में से कई लोगों को ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती है और हम अपना आज का कार्य कल पर टाल देते हैं। जबकि सोचने वाली बात ये है कि यदि हम आज का काम आज नहीं करेंगे अपितु कल पर टाल देंगे, तो फिर भला हम अपना कल का काम कब करेंगे। संभवतः इसी बात को ध्यान में रखते हुए आचार्य कहते हैं, दूरदर्शी बने किंतु दीर्घ सूत्री नहीं। अर्थात आप अपने हर काम को वर्तमान के साथ साथ भविष्य को ध्यान में रखकर करें, लेकिन किसी भी काम को आलस्य के कारण कल पर ना टालें, अन्यथा जीवन के कुछ अति महत्वपूर्ण कार्य अधूरे ही रह जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी वे 6 बातें जिनका अनुसरण संसार के प्रत्येक मनुष्य को बड़ी ही सजगता से करना चाहिए। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।